सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम 24 स्लॉट एग्जॉस्ट फैन मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाएगी, वाइंडिंग करने के लिए हमें कितने SWG वायर का यूज़ करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स क्या लेना होगा, कॉइल पिच क्या रहेगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एग्जॉस्ट फैन मोटर का स्टेटर है जिसमें हमने पेपर्स ऑलरेडी डाल कर रखा है। सबसे पहले हम स्टेटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए स्टेटर का जो इनर डाया है वो 75 mm है। देखिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और स्टेटर की जो विड्थ है या चौड़ाई है वो 35 mm या 35 mm है, ठीक है। आप इस डाटा को पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये हमारी मोटर का बैक कवर है और यह हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है। अब किस तरह से इस एग्जॉस्ट फैन की कंप्लीट वाइंडिंग की जाएगी, किस तरह से हमें तार को डालना होगा, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले वाइंडिंग करने के लिए हम जो तार का यूज़ कर रहे हैं वो हमें इसे यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग करना है, ठीक है। कॉपर वाइंडिंग करने के लिए हम 26 SWG का जो तार है उसे रनिंग वाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और 28 SWG का तार है उसे हम एज ए स्टार्टिंग वाइंडिंग में यूज़ कर रहे हैं। कंपनी से जो तार आता है रनिंग वाइंडिंग में 27 SWG का यूज़ किया जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 29 SWG का यूज़ किया जाता है, तो हम उसके लिए भी डाटा देख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एग्जॉस्ट फैन मोटर है उसका स्टेटर, जैसा कि हमने देखा था, वो 24 स्लॉट का स्टेटर है और स्टेटर की जो विड्थ है वो 35 mm है जो हमने पहले ही ऑलरेडी देखा था और इनर डाया जो है वो 75 mm है, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 26 SWG वायर को यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली कंपनी से जो मोटर आती है उसमें 27 SWG वायर का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी क्या डाटा होगा वह भी हम समझेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम 28 SWG वायर को यूज़ कर रहे हैं। कंपनी से जो मोटर आती है उसमें 29 SWG वायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 26 SWG से हम यहाँ पर 50 टर्न दे रहे हैं रनिंग वाइंडिंग में और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 95 टर्न ले रहे हैं। यदि आप 27 SWG वायर का यूज़ करते तो रनिंग में आपको 70 टर्न देना है और स्टार्टिंग में आपको 100 टर्न देना है, ठीक है। आपकी मोटर दोनों ही तरह के डाटा से एकदम परफेक्टली रन करेगी, ठीक है। आप चाहो तो 26-28 से भी बना सकते हैं या 27-29 से भी बना सकते हैं। कॉइल लेंथ रनिंग में 42 इंच रहेगी और स्टार्टिंग में आपकी 34 इंच रहेगी। जो कॉइल पिच आपको लेना है 1-4 में आपको 2 राउंड लेना है और 1-6 में आपको 3 राउंड लेना है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल पिच रहेगा 1-4 में आपको 1 राउंड लेना है। फिर से एक बार, 1-4 में 1 राउंड लेना है और 1-6 में आपको 3 राउंड लेना है, ठीक है। आप इस डाटा को पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम कॉइल बना लेते हैं। रनिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल का साइज हमारे पास 42 इंच है। देखिए 42 इंच पर हमने बर्मे को सेट कर लिया है। 26 SWG वायर का हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको चारों कॉइल्स सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग्स की बना लेना है और फिर 4 कॉइल आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग के बनाना है। टोटल हमें 8 कॉइल्स बनाना होगी। तो देखिए ये हमारे पास कॉइल्स बन चुकी है। 26 SWG से 42 इंच की हमने 4 कॉइल रनिंग की बनाई है और 28 SWG से ये हमारे पास 34 इंच लंबाई में 4 कॉइल हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग की बनाई है, ठीक है। कॉइल्स बन चुके हैं। अब कॉइल्स किस तरह से डाला जाएगा, तो आप स्टेटर में रेंडमली, देखिए 24 स्लॉट है हमारे पास, आप रेंडमली किसी भी स्लॉट को फर्स्ट स्लॉट मान सकते हैं। कॉइल पिच के हमारे पास 1-4 है और 1-6 है। 1-4 कैसा रहेगा, रेंडमली आप फर्स्ट स्लॉट कैसे भी मान लीजिए, बीच में आपको 2 स्लॉट छोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट मानने के बाद बीच में आपको 2 स्लॉट छोड़ना है, फिर कॉइल डालना है और 1-6 के लिए एक एक स्लॉट आपका इस तरफ आगे बढ़ जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली हम डालकर देख लेते हैं। देखिए ये कॉइल्स है हमारे पास। देखिए आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कॉइल का जो तार है वो बाहर की तरफ है। देखिए रेंडमली हमने फर्स्ट स्लॉट माना है, बीच में हमने 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं। देखिए 2 स्लॉट छोड़कर कॉइल पिच 1-4 में अभी हमने कॉइल डाली है। कॉइल को देखिए 1-4 में हो चुकी है। अभी कॉइल को टर्न किस तरह से किया जाएगा, देखिए इस तरह से, देखिए इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। कॉइल को टर्न किया है, 1-4 में हमें 2 राउंड देना है, तो इसी कॉइल के ऊपर एक कॉइल अभी हमें और डाल देना है। देखिए 1-4 में हम 2 राउंड दे रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग भी आएगी,
इसके लिए हम यहाँ पर LP इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। इस रनिंग वाइंडिंग के ऊपर जहाँ पर हमने 1-4 में दो राउंड दिया है, इसके ऊपर एक कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम LP इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। देखिए 1-4 में हमारे दो राउंड हो चुके हैं, अब एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा, एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा, तो 1-6 आपका कॉइल पिच हो जाएगा। देखिए 6 स्लॉट हो चुके हैं, ये भी हमने फर्स्ट राउंड दिया है। जो कॉइल पिच 1-6 रहेगा, 1-6 में आपको टोटल 3 टर्न देना है। देखिए कॉइल को यहाँ पर टर्न किया, यह हमारा सेकंड टर्न हो चुका है। देखिए आपको वाइंडिंग को एकदम फिनिशिंग के साथ करना है, ताकि वाइंडिंग करने के बाद आपकी जो वाइंडिंग है वो खूबसूरत नज़र आना चाहिए। देखिए ये हमारे दो राउंड हो चुके हैं, अभी इसी कॉइल को और हमें टर्न करना होगा, और 1-6 में हमें 3 राउंड देना है, तो इसी के ऊपर हम एक टर्न और दे देते हैं, ठीक है। ये मोटर थोड़ी टाइट बनेगी, तो टाइट बनने से आप इस तरह से पहले अच्छे से वायर्स को डालिए। जो ये हमारे पास है 24 स्लॉट के एग्जॉस्ट फैन मोटर, इसे टाइट ही बनाया जाता है। देखिए इस तरह से आप वायर्स को एकदम अच्छे से डालिए, और यहाँ पर 3 राउंड हो जाने के बाद यहाँ पर PVC इंसुलेशन पेपर लगा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई टर्न अप नहीं आएगा। वाइंडिंग को फ्रेश कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड कॉइल डलेगी, सेकंड कॉइल भी आपकी सेम रहेगी। देखिए करना क्या है, सेकंड कॉइल के आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कॉइल को हमने उल्टा कर लिया है, और यहाँ पर स्लॉट में देखिए एक स्लॉट हमने पहले छोड़ दिया है। देखिए एक स्लॉट पहले छोड़ा है, और 1-4 में बीच में दो स्लॉट छोड़े हैं। फर्स्ट एक स्लॉट छोड़ा है, फिर बीच में हमने दो स्लॉट छोड़े हैं, तो 1-4 में हमें दो राउंड देना है, तो 1-4 में हम दो राउंड दे लेते हैं, और दो राउंड देने के बाद इसके ऊपर LP इंसुलेशन पेपर आ जाएगा। देखिए दोस्तों आप वाइंडिंग को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 1-4 में हमारे दो राउंड हो चुके हैं, अभी इसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक कॉइल और आएगी, इसके लिए यहाँ पर LP इंसुलेशन पेपर लगाया है। अब जो एक स्लॉट हमने देखिए इस तरफ छोड़ा था, उसमें कॉइल पिच जो 1-6 रहेगा, देखिए जो एक स्लॉट हमने इस तरफ छोड़ा था वो यहाँ पर यह डल जाएगा। 1-6 में हमारे पास 3 राउंड देना है, तो ये फर्स्ट राउंड हुआ है। देखिए 1-6 में ये फर्स्ट राउंड हो चुका है। दोस्तों आपकी यह जो मोटर बनेगी हल्की सी टाइट बनेगी, तो आपको वायर्स को एकदम फिनिशिंग के साथ अंदर करना है। देखिए यह हमारा 1-6 में सेकंड राउंड हो चुका है। चलिए इस तरफ भी अभी हम कॉइल डाल देते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा थोड़ा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वीडियो को वॉच करने के बाद आपका ज़रा सा भी डाउट नहीं रहे। और यहाँ पर हम इसे तीसरा टर्न भी ले लेते हैं। देखिए ये हमारे 3 टर्न हो चुके हैं कॉइल पिच 1-6 में। 1-4 में हमने 2 राउंड दिया है, और 1-6 में हमें 3 राउंड देना है। अब इसके ऊपर चूंकि कोई भी कॉइल नहीं आएगी, इसके लिए हम PVC इंसुलेशन शीट यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। देखिए दो कॉइल हमारी डल चुकी है, अब थर्ड कॉइल डालने के लिए एक स्लॉट हमने छोड़ दिया है। यहाँ से कॉइल डलेगी 1-4 में, देखिए, और यहाँ से ये 1-6 हो जाएगा। जिस तरह से अभी हमने दो कॉइल्स डाली हैं, उसी तरह से तीसरी कॉइल को डाल देना है, बट कॉइल की डायरेक्शन यहाँ पर एकदम सीधी रहेगी। बीच वाली कॉइल को हमने टर्न कर डाला था, हर एक कॉइल की डायरेक्शन आपको चेंज करना होगी, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से अब हम थर्ड कॉइल को डाल लेते हैं। देखिए एक स्लॉट हमारा पहले छूटेगा, देखिए एक स्लॉट हमने कॉइल के पास से छोड़ा है, और यहाँ से कॉइल पिच हमारा 1-4 में 2 राउंड रहेगा। देखिए 1-4 में 1 राउंड दिया है, और यहीं से 1-4 में 1 राउंड अभी हम और दे देते हैं, तो कॉइल पिच 1-4 में हमारे 2 राउंड यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए 2 राउंड हो चुके हैं, इसके ऊपर LP इंसुलेशन शीट हमने लगा दिया है। देखिए कॉइल पिच 1-4 में हमने 2 राउंड दे दिया, जिस तरह से हमने दो कॉइल्स डाली है
उसी तरह से यह कॉइल भी डाल ली है। अब हमारा अगला कॉइल पिच रहेगा 126, ठीक है। 126 में हमें 3 राउंड देना है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा ये फर्स्ट टर्न यहाँ पर डल रहा है। इसी तरह से 126 जो हमारा कॉइल पिच है इसमें हमें 3 राउंड दे देना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि हम हर एक स्टेप को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करता है तो उसका भी डाउट क्लियर होना चाहिए। देखिए 126 में अभी हम सेकंड राउंड दे रहे हैं और जैसे जैसे आपके राउंड्स दिलते जाए आप वाइंडिंग को फ्रेश करते चलिए, ठीक है, ताकि वाइंडिंग होने के बाद उसमें फिनिशिंग नज़र आए। आपको खूबसूरती के साथ वाइंडिंग करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वाइंडिंग में आपकी सफाई आती जाएगी। देखिए सेकंड राउंड हमने यहाँ पर दे दिया है, 126 कॉइल पिच में सेकंड राउंड हो चुका है। अभी इसी में क्योंकि हमारी वाइंडिंग थोड़ी टाइट बन रही है तो हल्की हल्की से आप जगह करते चलिए क्योंकि आपकी जो मोटर की ये वाइंडिंग हो रही है हल्की सी टाइट रहेगी। देखिए यहाँ पर हमारे 3 राउंड हो चुके हैं। इसके ऊपर अभी हम PVC इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। 126 में हमें 3 राउंड करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारी 3 कॉइल्स रनिंग वाइंडिंग की डल चुकी है। देखिए इसके ऊपर भी अभी हमने PVC इंसुलेशन शीट लगा दिया है। अभी हमें रनिंग वाइंडिंग की लास्ट कॉइल डालना। देखिए 6 स्लॉट्स बचे हुए हैं तो एक एक स्लॉट्स देखिए दोनों तरफ से छूट जाएगा, बीच में आपके 4 स्लॉट्स बचेंगे। तो कॉइल पिच 124 में आपको कॉइल डालना है 2 राउंड और 126 में 3 राउंड डालना है, ठीक है। ये लास्ट कॉइल है, लास्ट कॉइल में आप डायरेक्शन देख लीजिए। फर्स्ट कॉइल में जब हमने वायर डाला था तो अंदर की तरफ गया था और यहाँ से लास्ट कॉइल से बाहर आया है। हर कॉइल में आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, फर्स्ट स्लॉट हमने छोड़ दिया है और 124 देखिए बीच में 2 स्लॉट छोड़े हैं। देखिए वाइंडिंग को फ्रेश कर लिया है। 124 कॉइल पिच में हमें 2 राउंड देना है। चलिए सेकंड राउंड भी अभी हम यहाँ दे देते हैं और ऊपर से एक राउंड क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग का आएगा इसके लिए हमने LP इंसुलेशन शीट लगा लिया है। चलिए यह हमारा सेकंड राउंड हो चुका है। देखिए यहाँ पर कॉइल पिच 124 में 2 राउंड देकर LP इंसुलेशन शीट लगा दिया है। अब अगला कॉइल पिच हमारा 126 है तो 126 में हमें 3 राउंड देना होगा। देखिए एक स्लॉट इस तरफ से बड़ा है और एक स्लॉट इस तरफ से बड़ा है। तो देखिए 126 कॉइल पिच में हमारा एक राउंड हो चुका है। इसमें टोटल हमें 3 नंबर ऑफ टर्न्स देना होगा। कॉइल को इस तरह से टर्न किया है, इसी के ऊपर अभी हम सेकंड राउंड दे देते हैं। देखिए कॉइल पिच 126 में हमारा सेकंड राउंड हो चुका है। आपकी वाइंडिंग हल्की सी टाइट बनेगी तो वायर्स को आप अच्छे एकदम टाइट डालिए। देखिए आपको लूज नहीं डालना है। देखिए इस तरह से हल्का सा आप टाइट कर डालिए। देखिए ये 2 राउंड हो चुका है, वाइंडिंग को हमें फ्रेश कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसमें हमें 3रा राउंड भी दे देना है। देखिए हमारे पास जो कॉइल पिच 126 में 3 राउंड देना था तीनों राउंड डल चुके हैं। इसके ऊपर अभी हमें PVC इंसुलेशन पेपर लगा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइल्स डल चुकी हैं। कॉइल पिच हमने क्या लिया था, 124 में 2 राउंड लिया था और 126 में 3 राउंड लिया था। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कोई स्पेशल टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकें। चलिए अब स्टार्टिंग वाइंडिंग डालने के लिए देखिए ये 2 कॉइल जो डली हुई है ये 2 स्लॉट से छूट जाएंगे। अब यहाँ पर जो ग्रीन पेपर आप देख रहे हैं LP इंसुलेशन पेपर इसके ऊपर फर्स्ट कॉइल डलेगी और एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग लिया है, डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ जा रही है। देखिए जो 2 कॉइल्स डली हुई है वो 2 स्लॉट्स छूट जाएंगे और जो LP इंसुलेशन पेपर आपका डला हुआ है देखिए फर्स्ट स्लॉट यहाँ आया है। देखिए अब चूंकि इसके ऊपर कोई राउंड नहीं आएगा इसके लिए हमने यहाँ पर PVC इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। देखिए इसके ऊपर भी जो LP इंसुलेशन शीट थी उसके ऊपर एक एक टर्न हमने दिया है और कॉइल पिच 124 में 1 राउंड दिया है। फिर से एक बार कॉइल पिच 124 में 1 राउंड दिया है। 126 में हमें 3 राउंड देना होगे
तो ये फर्स्ट राउंड हमने 1 to 6 में दिया, एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। चलिए 1 to 6 में फर्स्ट राउंड हो चुका है, यह हमारा सेकंड राउंड है। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको डाउट को क्लियर कर सके। चलिए 1 to 6 में अभी हमने यहाँ पर थर्ड राउंड हमारा डल रहा है। आपकी वाइंडिंग हल्की सी टाइट बनेगी तो आपको वाइंडिंग टाइट करना है, देखिए इस तरह से लूजिंग नहीं रखना है। देखिए 1 to 6 कॉइल पिच में आपके 3 राउंड्स डल चुके हैं। देखिए इस तरह से आपको पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना। सेकंड कॉइल के लिए देखिए, यहाँ पर आपको 2 कॉइल्स नज़र आ रही है, ये 2 स्लॉट्स छूट जाएंगे। ये जो एलपी इंसुलेशन शीट है इसके ऊपर आपकी फर्स्ट 1 to 4 डलेगा और एक एक स्लॉट दोनों तरफ से 1 to 6 डलेगा, ठीक है। तो पहले हम हल्की सी जगह कर लेते हैं ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो एक कॉइल है वही यहाँ पर आ सके। देखिए 2 स्लॉट्स हमने छोड़ा है, कॉइल पिच 1 to 4 में 1 राउंड है। देखिए यहाँ पर कॉइल को हमें टर्न करना होगा, ये हमारे पास कॉइल है और इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए उसके अपोजिट है। चलिए कॉइल को हमने टर्न कर लिया है क्योंकि हमें डायरेक्शन अपोजिट रखना है फर्स्ट कॉइल से, तो कॉइल को टर्न कर हमें डालना होगा। देखिए एलपी इंसुलेशन शीट के ऊपर यह कॉइल आएगी। 1 to 4 कॉइल पिच में आपका 1 राउंड रहेगा क्योंकि 2 राउंड ऑलरेडी रनिंग वाइंडिंग के डले हुए हैं। इसके ऊपर अभी हम पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देते हैं। चलिए यह हमारा कॉइल डल चुका है। 1 to 4 में हमने 1 राउंड दिया है, इसके ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा। आप दोनों तरफ से देखिए एक एक स्लॉट हमारा बढ़ जाएगा, कॉइल पिच 1 to 6 होगा। 1 to 6 में हमें 3 राउंड देना है, 3 टर्न देना है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट टर्न यहाँ पर दिया है, देखिए एक एक स्लॉट से दोनों तरफ से बढ़ेगा, तो ये फर्स्ट टर्न हो चुका है। देखिए 1 to 6 कॉइल पिच में आपका 1 राउंड हो चुका है, यहाँ पर हमें 3 राउंड देना है। जो कॉइल पिच स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए रहेगा 1 to 4 में 1 राउंड है और 1 to 6 में 3 राउंड है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर वाइंडिंग कर रहे हैं। देखिए ये हमारा सेकंड कॉइल डल रही है, सेकंड टर्न यहाँ पर डल रहा है। चलिए यहाँ पर हमारा 1 to 6 कॉइल पिच में सेकंड राउंड भी डल चुका है। वाइंडिंग आपकी टाइट बनेगी इसका आपको ध्यान रखना है, तो वाइंडिंग को आप एकदम टाइट हाथ से कीजिए, ठीक है। 1 to 6 में 3 राउंड देना है, तो चलिए यहाँ पर हम टर्न दे देते हैं। देखिए यदि आपके वायर से एक साथ नहीं जा रहे हैं तो आप इस तरह से कम कम वायर्स कर अंदर डाल लीजिए, आसानी से यह डल जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी कॉइल डल चुकी है ऊपर से। चलिए यहाँ पर पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा दिया है और इस तरफ भी कॉइल्स डालने के बाद इसके ऊपर भी हमें पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा देना है। इस तरह से यदि आप वाइंडिंग कर रहे हैं आपको ध्यान रखना, कोई भी तार ने कटना नहीं चाहिए, ठीक है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए 1 to 6 में हमारी सेकंड कॉइल्स डल चुकी है, 3 राउंड से यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए अब हमें थर्ड कॉइल डालना है। देखिए 2 कॉइल्स आपको नज़र आ रही है, उसके आसपास में जो आपको एलपी इंसुलेशन शीट नज़र आ रही है उसमें देखिए 1 to 4 कॉइल पिच रहेगा। 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है। देखिए इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, जो फर्स्ट कॉइल की हमारी डायरेक्शन थी उसी तरह से एकदम सीधी कॉइल डलेगी ये। 1 to 4 में हमें 1 राउंड देना है, तो ये फर्स्ट राउंड हमने दे दिया है, ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन शीट लगा लिया है। चलिए हमारा 1 to 4 में 1 राउंड हो चुका है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है बट हमने पूरी कोशिश की है हर एक स्टेप को इस वीडियो में क्लियर किया जा सके, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है, बट वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। देखिए 1 to 6 में हमें अब यहाँ पर 3 राउंड डालना है, तो एक स्लॉट इधर से बढ़ चुका है और एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ेगा। तो 1 to 6 में अभी हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका है, कॉइल को टर्न किया, यह हम सेकंड राउंड दे रहे हैं। देखिए एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ा है। देखिए 1 to 6 में हमारा सेकंड राउंड चल रहा है।
और इस तरफ भी एक स्लॉट बढ़ेगा, तो 1 to 6 में सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर कॉइल को हमें टर्न करना होगा, और चूंकि आपकी जो वाइंडिंग डल रही है हल्की से टाइट चल रही है, तो इस तरह से आप पहले वाइंडिंग को हल्का सा टाइट कर लीजिए। और सभी वायर्स यदि एक साथ नहीं जाते हैं तो थोड़े थोड़े वायर्स कर आप डाल लीजिए, आसानी से यह डल जाएगा। इसमें थोड़ी आपको मेहनत करना होगी। देखिए 1 to 6 में यहाँ पर हमारी थर्ड कॉइल डल चुकी है। देखिए यहाँ पर थर्ड कॉइल हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग की हो चुकी है। 1 to 6 कॉइल पिच में 3 टर्न भी हमारे हो चुके हैं। चलिए अभी हमें लास्ट कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग की डालना होगी। चलिए वाइंडिंग को पहले हम फ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दो कॉइल्स नज़र आ रही है, और यहाँ पर जो लास्ट कॉइल है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। देखिए कॉइल पिच 1 to 4 में 1 राउंड देना है, तो LP इंसुलेशन शीट के ऊपर ही हमें इस कॉइल को डाल देना है, और ऊपर से PVC पेपर ज़रूर लगा देना है। चलिए यहाँ पर भी जो LP इंसुलेशन पेपर है इसी के ऊपर यह कॉइल आएगी। 1 to 4 कॉइल पिच में अभी हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका है। चलिए इसके ऊपर PVC इंसुलेशन शीट लगा दिया है। अभी देखिए एक एक स्लॉट्स दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। 1 to 6 कॉइल पिच में आपके 3 राउंड रहेंगे। चलिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड यह हो चुका है। चलिए 1 to 6 कॉइल पिच में फर्स्ट राउंड हो चुका है। इसी तरह से हमें 3 टर्न देना होगा कॉइल पिच 1 to 6 में। यह सेकंड राउंड चल रहा है। देखिए दोस्तों यदि सभी तार्स एक साथ आपके अंदर नहीं जाते हैं तो आप थोड़े थोड़े तार्स कर डाल लीजिए, आसानी से डल जाएंगे। यदि आप इसी फैन मोटर को 1 और 2 राउंड में किस तरह से बनाई जाती सीखना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं ये 2 और 3 राउंड में कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको इसी फैन मोटर को 1 और 2 राउंड में किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी सीखना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए ये हमारी लास्ट कॉइल डल चुकी है, और सभी वायर्स आपके साथ अंदर नहीं जा रहे हैं तो आप कम वायर्स कर डाल लीजिए, आसानी से आपकी कॉइल्स डल जाएगी। चलिए 1 to 6 में हमारे 3 टर्न हो चुके हैं। हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग की ये लास्ट कॉइल है जो कि डल चुकी है यहाँ पर। चलिए यदि आपके सभी वायर्स एक साथ नहीं जाते हैं तो आप थोड़े थोड़े वायर्स कर डाल लीजिए। चलिए हमारे यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग की भी 4 कॉइल्स डल चुकी है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी 4 कॉइल्स डल चुकी है। अब देखिए आपकी जब वाइंडिंग हो जाए तो इस तरह से जो PVC पेपर्स आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें आपको ज़रूर अंदर कर लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि हो क्या जब रोटर इसके अंदर घूमे तो आपके PVC पेपर्स ने कटना नहीं चाहिए। तो सभी पेपर्स को आप अंदर ज़रूर कर लीजिए, और वाइंडिंग को फ्रेश ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको वाइंडिंग को फ्रेश कर लेना है। देखिए इस तरह से करने से होगा क्या, आपके सभी पेपर्स अंदर हो जाएंगे, जिससे रोटर से कोई भी पेपर टच नहीं होगा, और आपके पेपर्स की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। इस तरह से वाइंडिंग को आपको फ्रेश ज़रूर कर लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारी वाइंडिंग फ्रेश हो चुकी है, इसे पीछे की तरफ से भी हमें फ्रेश करना होगा। उससे पहले जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके बीच में इंसुलेशन पेपर हम लगा लेते हैं। देखिए आप चाहो तो यहाँ पर LP इंसुलेशन पेपर भी लगा सकते हैं, बट हम चूँकि हमारी मोटर बहुत टाइट बनी है इसके लिए यहाँ पर PVC इंसुलेशन शीट लगा रहे हैं। देखिए PVC इंसुलेशन शीट लगा रहे, इस तरह से आपको दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। तो देखिए दोनों कॉइल्स के बीच में इस तरह से आपका PVC पेपर्स आ जाएगा। देखिए इस तरह से PVC पेपर को आपको दोनों वाइंडिंग के बीच में लगा देना है इंसुलेशन के लिए, ताकि हमारी दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्टिंग नहीं हो। देखिए हमारे PVC पेपर्स डल चुका है। चलिए वाइंडिंग भी हमने फ्रेश कर लिया है, जो एक्स्ट्रा पेपर रहे उसकी आपको कटिंग कर लेना है। चलिए इस तरह से इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद आपको यहाँ पर वाइंडिंग को स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग करने के लिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ध्यान यह रखना है कि जब इस तरह से आप धागे को खींचे तो नीचे से किसी तार ने कटना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको धागे को सबसे नीचे से निकालना होगा, ठीक है, कोई भी तार ने आपके कटना नहीं चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए।
देखिए इस तरह से आप वाइंडिंग को फ्रेश करते चलिए। स्टिचिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट किसी भी तरह ने कटना नहीं चाहिए और दोनों वाइंडिंग्स में प्रॉपर स्टिच हो जाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए हमने अभी यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए हमारे पास चार वायर्स हैं, दो रनिंग वाइंडिंग के और दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के। सबसे पहले देखिए हमें वाइंडिंग को इस तरह से फ्रेश कर लेना ताकि बॉडी से कोई भी कॉइल आपकी टच नहीं हो, और इस तरह से फ्रेश करने के बाद यहाँ पर भी आपको पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है ताकि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन रहे। चलिए हम यहाँ पर आप चाहो तो एलपी इंसुलेशन पेपर भी लगा सकते हैं, हम पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं। आप जो भी आपका एक्स्ट्रा तार है उस एक्स्ट्रा तार की आपको कटिंग कर लेना है, और यहाँ पर हम एक नंबर स्लीव को लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इनमें वायर्स जोड़ने से पहले वायर का इंसुलेशन ज़रूर निकाल लेना है, ठीक है। इंसुलेशन निकालने के लिए आप वायर को जला भी सकते हैं या एमडी पेपर से निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर कटर की सहायता से निकाल रहे हैं, ठीक है। ये दो वायर जो आपको रेड वायर नज़र आ रहे हैं ये हम रनिंग वाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग में एक स्टार्टिंग एंड होता है, एक एंडिंग एंड होता है, तो देखिए रनिंग वाइंडिंग में हमने रेड वायर का यूज़ किया है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम ब्लू वायर का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास यदि येलो वायर या ग्रीन वायर जो भी कलर का वायर हो आप वायर का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से इसे अच्छे से ट्विस्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अभी हमारे पास चारों वायर्स जॉइंट हो चुके हैं, अब इसके ऊपर हमें कॉटन पेपर को लगा देना है। देखिए कॉटन पेपर लगाते समय इस तरह से आपको वायर्स को अच्छे से निकालना होगा। देखिए आप कॉटन पेपर किसी भी तरह से लगा सकते हैं, कोई परमानेंट मेथड नहीं है। देखिए हमने कॉटन पेपर इस तरह से लगा दिया है और सभी वायर्स को कॉटन पेपर से निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हमें वायर्स जॉइंट जहां पर किया है तीन नंबर स्लीव लगाना है। देखिए तीन नंबर स्लीव लगाने के बाद इसकी हमें स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए जो आपके जॉइंट्स आए हैं सभी जॉइंट्स ने अलग अलग जगह पर होना चाहिए, और इस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेना है। जॉइंट्स अलग अलग इसलिए किए गए ताकि शॉर्टिंग नहीं हो सके, ठीक है। देखिए हमारी स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी मोटर की लाइफ ज़्यादा रहे इसके लिए वाइंडिंग में इस तरह से आप वार्निश डाल दीजिए। वार्निश डालने से क्या होता है, जो आपकी वाइंडिंग की क्वालिटी होती है वह बेटर हो जाती है। चलिए अब इस तरह से हम पहले मोटर की फिटिंग कर लेते हैं, फिर कनेक्शन कर चेक भी करने वाले किस तरह से हमारा एग्जॉस्ट फैन रन कर रहा है। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमने मोटर की फिटिंग कर ली है, और यहाँ पर जो नट डाले जाते हैं नट को हमने डाल दिया, इसे अच्छे से हमें टाइट कर देना है। टाइट करने के लिए आपको ध्यान रखना है सभी नटों को आपको बराबर टाइट करना है, यदि एक भी नट कम या ज़्यादा टाइट होता है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर वहाँ पर जाम हो सकती है। मोटर जाम होने से अगेन आपकी मोटर गर्म होकर जल जाएगी, तो सभी नटों को आपको एकदम बराबर टाइट करना है। चलिए कनेक्शन करने के लिए एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर और एक रनिंग वाइंडिंग के वायर को हमने कॉमन कर लिया है। कैपेसिटर के एक वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाया है और दूसरे वायर को हमने रनिंग वाइंडिंग में लगाया है, ठीक है। सिंपल सा आपका कनेक्शन हो चुका है। आप हमें फ़ैन को रोटेट होने के लिए जो न्यूट्रल वायर है उसे कॉमन में लगाना होगा, और फेज वायर को रनिंग वाइंडिंग के साथ जो कैपेसिटर का वायर है उसमें लगाया है। देखिए अभी सीरीज़ में हम रन कर रहे हैं, फ़ैन हमारा हल्का सा घूम रहा है। चलिए अब इसे मेन पावर सप्लाई से हम रन कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल हमने कॉमन पर लगाया और फेज वायर रनिंग वाइंडिंग का वायर और कैपेसिटर के वायर पर लगाया। देखिए हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है एकदम परफेक्टली हाई स्पीड में रन कर रहा है। तो इस तरह से आप एग्जॉस्ट फैन की कंप्लीट वाइंडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड।